एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मेनका व्लॉग। आज का जो टॉपिक है वो है नोज टंग एंड ईयर्स को, बेबीज की नोज टंग एंड ईयर्स को कैसे क्लीन करें, स्पेशली बेबी अगर न्यूबॉर्न है या 5 to 6 months है, इवन 1 year old है बेबी, तो भी ये सभी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सभी इस पे हॉस्पिटल में भी डॉक्टर से पूछते हैं, तो आज मैं इसका आपको बहुत सिंपल सॉल्यूशन देने वाली हूँ कि नोज टंग एंड ईयर्स बेबी के, न्यूबॉर्न बेबीज के और 5 to 6 months के जो बेबी है उनके कैसे क्लीन करना है। इवन 1 year से ज़्यादा का भी अगर बेबी है तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, बिकॉज एक तो बेबीज कांट स्पीक, बेबी रोता है सिर्फ, और उससे हम फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली बेबी किस चीज़ के कारण रो रहा है, और प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि पेरेंट्स इवन डॉक्टर्स को काफ़ी एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टंग को कैसे क्लीन करना है। बेबी अगर न्यूबॉर्न है और 5 to 6 months का भी अगर बेबी है, तो टंग के लिए सिंपल आपको वार्म वाटर लेना है, मींस माइल्ड हल्का गर्म पानी लेना है, एक फ्रेश क्लीन क्लॉथ लेना है, कपड़ा लेना है, उसमें डिप करके बेबी के टंग को एंड द स्मॉल फिंगर को लेके और कपड़ा इधर लेके और टंग में थोड़ा मुंह के अंदर डाल के टंग को पूरा इन एंड आउट, इवन गम्स, अपर पैलेट जिसे हम ऊपर का पार्ट कहते हैं मुंह के ऊपर का, उसको पूरा क्लीन करना है गीले कपड़े से। और ध्यान रखना है कि और जब भी बेबी फीड लेता है और अगर बेबी टॉप अप लेता है, फॉर्मूला मिल्क लेता है, जितने भी बार बेबी फीड ले, मिल्क ले, फॉर्मूला मिल्क ले, आपको उसकी टंग को क्लीन करना है। उससे क्या होता है कि बेबी इसके गम्स में इन्फेक्शन के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। जितने भी बार बेबी की टंग क्लीन की जाती है, अंदर की जो भी रिमेनिंग पार्ट रह जाता है जो बेबी गल्प नहीं कर पाता है, तो बेटर है उसको क्लीन आउट कर दिया जाए, जिससे बेबी का मुंह क्लीन रहे। स्पेशली रात के टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर रात के टाइम आपने बेबी ने फीड लिया है तो जनरली क्या होता है, बेबी सो जाते हैं, तो उस टाइम हम इग्नोर कर सकते हैं। और अगर टॉप अप लेता है बेबी, अगर नहीं सोता है, तो बेटर है कि उसका माउथ क्लीन कर दिया जाए, उसके बाद ही उसे सुलाओ, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस गम्स में, टंग में और उसके थ्रू अंदर जाने के चांसेस पूरे ज़ीरो हो जाते हैं। सेकेंड, ईयर्स, बेबीज़ के ईयर्स बहुत डेलिकेट होते हैं, एंड बिल्कुल भी आप जैसे घर पे मालिश वाली आंटी आती हैं, समटाइम्स जो ओल्ड पीपल होते हैं, इन लॉज होते हैं, दे सजेस्ट कि ईयर में ऑयल डालो, बिल्कुल भी आप ये नहीं करें। इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड बाय मी एंड नॉट एंड बाय एनी डॉक्टर्स, राइट? तो बिल्कुल भी उसके ईयर्स में ऑयल और व्हाटएवर कुछ भी नहीं डालना है। और अगर आपको लगता है कि वैक्स हो रहा है ईयर में, सडन जस्ट इमीडिएटली रश फॉर द डॉक्टर। और ये ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली जाना है, आप जब भी डॉक्टर के पास बेबी के वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं बेबी के लिए, उन्हें जो डॉक्टर को ठीक लगेगा दे विल डू इट। तो क्लीन करने के लिए आपको एक कॉटन लेना है, फ्रेश कॉटन लेना है, उसको गर्म पानी में डिप करना है, और दिस पार्ट जो आउटर पार्ट है बेबी का, आउटर पार्ट बिहाइंड और इधर, बस इसको ही क्लीन करना है गर्म पानी से। अंदर जहाँ पर ये अंदर होल है वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं लेके जाना है, ऑयल नहीं लेके जाना है। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे दैट यू कैन डू एट होम टू क्लीन द बेबीज ईयर्स। देन नोज बेबी की हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते, इवन व्हेन बेबी स्नीज, जब बेबी छींकता है तभी उसकी नोज के जो अंदर का म्यूकस है वो बाहर आ पाता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है तो। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है बट फिर भी आपको थोड़ा लग रहा है कि रनिंग नोज है या कुछ भी है, तो आप हल्का सा गर्म पानी कर लीजिए, और गर्म पानी से ही अपर पार्ट सिर्फ यहाँ पर और थोड़ा सा हल्का सा अंदर लेके, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि बेबी को हर्ट ना हो, और अपर पार्ट नोज के इधर, नोज के इधर आप उसको क्लीन कर दीजिए, एंड दैट्स ऑल यू कैन डू फॉर नोज, राइट? सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।